खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग के जिला संयोजक डीपी सिंह परिहार ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के अत्याचार से पीड़ित 40 व्यक्तियों को 22.625 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है। जिला संयोजक ने बताया कि गोविंदगढ़ के अयोध्या बस्ती के भोला प्रसाद प्रजापति को 4.125 लाख रुपए, सिमरिया के ग्राम कल्लू की रितु साकेत एवं गुढ़ की रेखा प्रजापति के 2.2 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पनवार के ग्राम नवातारी की काजल कोरी एवं हनवना के ग्राम लोढ़ी की रीनू हरिजन को 50,000 रुपए के मान से सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सिमरिया के ग्राम हिनौता के रामकिशोर साकेत, लौर के ग्राम बड़ी बराती के राज राखन साकेत, बिछिया के ग्राम छिरेटा के रमेश साकेत एवं संतोष साकेत, अमहिया विकास कॉलोनी की आंचल साकेत एवं नागौद के अशोक प्रजापति को 75,000 रुपए प्रत्येक के मान से सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पनवार के ग्राम जिरोहा की सरोज चर्मकार, मिसिर गवा के मालाराम प्रजापति, मढ़ी खुर्द के शिवनाथ साकेत, रामनाथ साकेत, झिरिया के अजय साकेत, तमरी के राघवेंद्र साकेत, बांसा के मणि राजदाहिया, चिरहुला कॉलोनी के पीताम्बर भारती, धौचट के संजीव कुमार साकेत, कटरा के राजबहोर साकेत, चक्रमाढ़ी ग्राम के राहुल कुमार साकेत, हिडवार के राजेंद्र कुमार साकेत, पड़रिया के ब्रजलाल नट, बसिंगड़ा ग्राम के जगजीवन लाल साकेत, तिवरियान ग्राम की रानू देवी साकेत, हरिहरपुर के दिनेश बुनकर, बहुरी बांध के मुनेश प्रजापति, गोधनलाल प्रजापति, गुढ़ के सचिव साकेत, रामभजन साकेत, टिकरी ग्राम के बंसराज साकेत, नीम चौराहा बोदाबाग के सूरज कुमार साकेत, चौराहटा के मधु देवी सोनकर, सिमरिया के राम कलश साकेत एवं कटरा के लक्ष्मण साकेत को 25,000 रुपए प्रत्येक के मान से राहत राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि मनगवा के ग्राम साहिबा की सुनीता साकेत को 1.50 लाख रुपए एवं गुढ़ के महरुआ टोला के कमलेश दाहिया को 25,000 रुपए राहत राशि प्रदान की गई है।